मैं नोएडा हूँ, गौतम बुद्ध नगर, देश के दिल दिल्ली के बिल्कुल करीब, गगनचुंबी इमारतों से घिरा हुआ हूँ मैं, मेट्रोपॉलिटियन सिटी में रहने वाले लोगों की पहली पसंद हूँ मैं, मुझे आप छोटा इंडिया भी कह सकते हैं, कई टॉप स्कूल्स, टेक्निकल मेडिकल कॉलेजेस और मल्टीनेशनल कंपनियों का गढ़ हूँ मैं, मीडिया चैनल्स की राजधानी हूँ मैं नोएडा हूँ। आज से मैं अपने बनने संवरने और बिगड़ने की दास्तां आपको खुद सुनाऊंगा और दिखाऊंगा और अपनी हर अच्छाई बुराई के किस्सों से आपको रूबरू करवाऊंगा, लेकिन इस लंबे सफर में मुझे आपका साथ चाहिए ताकि अपनी अच्छाइयों पर आपकी दांत ले सकूं और बुराइयों पर आपकी डांट, ताकि मैं सुधर सकूं, संवर सकूं और अपने वजूद को बचा सकूं। तो आज बात करते हैं सर्दियों की, जिसका सबसे ज़बरदस्त असर किसी पर पड़ता है तो वो है गरीब, और वो भी उस पर जो रैन बसेरों में रहकर सर्दी के कहर से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, जिनके पास ना तो सर छुपाने के लिए छत है और ना ही रात गुजारने की कोई जगह, इनका घर फुटपाथ है और सड़कें हैं। तो चलिए पड़ताल करते हैं कि क्या हालात हैं इन रैन बसेरों में रहने वालों की। नोएडा अथॉरिटी की तरफ से जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है, रैन बसेरों का इंतज़ाम तो किया गया है। ये है सेक्टर 21A नोएडा स्टेडियम के अंदर बना हुआ ये रैन बसेरा। यहाँ पर भी 70 लोगों के बेड का इंतज़ाम किया गया है, रुकने का इंतज़ाम किया गया है। सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको दिखा दूँ, ये बांस से पूरे चीज़ें बनाई गई हैं, जो मिट्टी से कवर करके नीचे कारपेट डाला गया है, उसके ऊपर ये मैट डाली गई है। अमूमन गांव में आप देखते होंगे फूस के जो एक लेयर बनाते हैं, उसके बाद होता है क्योंकि वो गर्म रहता है इस वजह से। और यहाँ पर 70 लोगों के रुकने की व्यवस्था की गई है, लेकिन फिलहाल लोग बहुत कम आ रहे हैं। या तो जानकारी का, जैसे हमने ग्रेटर नोएडा में देखा, जानकारी का अभाव है कि लोग कहाँ कहाँ पे बना हुआ है वो उस तरीके से। ये आप यहाँ पर कब से हैं? मैं 19 दिसंबर से। 19 दिसंबर से आप? कितने लोग आते हैं यहाँ पे? वही 10-11-15 वही आते हैं। आज कितने लोग हैं? अभी 2 लोग। 2 लोग हैं यहाँ पे। तो ये भी तुम नोएडा के हैं या बाहर के हैं? ये बाहर के। बाहर के लोग आए हुए हैं। तो ये रजिस्टर है, मेंटेन किया जाता है कि कितने लोग आए, कहाँ कहाँ से आए, कौन से आए, तो उनका सबका डिटेल यहाँ पे आता है। जैसे ग्रेटर नोएडा में हमने बरात घर में आपको दिखाया कि वहाँ पर भी जो है इस तरीके के पूरा रजिस्टर मेंटेन किया जाता है। दूसरी तरफ सुविधाओं की बात करें तो फायर सेफ्टी के लिए यहाँ पे सिलेंडर रखा गया, काम करता है ये? करता है। ये कारपेट लगाया गया, नीचे फूस लगाई गई है जिससे नीचे की जो ठंडक है ज़मीन की वो ना मिल सके। मेंटेन किया गया है इसको, साफ़ सुथरा थोड़ा सा रखा गया है। और यहाँ पर आज देखेंगे आप, 2 ही लोग हैं यहाँ पर जो रात गुजारने के लिए आए, क्योंकि अमूमन वो लोग होते हैं जो सफ़र करते हैं या जिनको कहीं होटल या कुछ वैसा होता है, या गरीब लोग होते हैं, तो उनको कहीं ना जहाँ मिले उसके लिए रैन बसेरे का इंतज़ाम किया जाता है। आप लोग कहाँ से आए हैं? कहाँ से हैं आप लोग? गोरखपुर से। गोरखपुर से? हाँ जी। क्या सुविधाएँ वगैरह, कम्बल वगैरह सही से मिल रहे हैं? हाँ जी, हाँ बढ़िया मिल रहा है, ठीक है यहाँ पे, दिक्कत तो नहीं है। क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर? कम्बल है, सब चीज़ें, रहने सहने सब मिल रहा है, सारी चीज़ें। तो ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो रैन बसेरे नाइट शेल्टर्स के लिए जो कहा गया था कि अलग अलग जगहों पर नाइट शेल्टर्स लगाए जाएं, अलाव भी हम आपको दिखाएंगे बाहर। आप कहाँ से हैं? अलीगढ़ से। हाँ जी, सचिन सर। सचिन, यहाँ पे क्या कम्बल वगैरह सब कुछ सही मिल रहा है? साफ सुथरा बढ़िया है, एकदम अच्छा है सर। बढ़िया है। हाँ जी, यहाँ पे कोई गए हैं वो सही है, सब बढ़िया जी, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी, आराम से आगे सोते हैं, काम वाम कर। पहली बार आए हैं? इससे पहले भी आए? नहीं सर, हम तो पहली बार आए अभी। हाँ जी सर। तो ये अथॉरिटी की तरफ से जो इंतजाम है, आप कैसा लग रहा है अभी? सही है सर, बहुत अच्छा है एकदम। ठंड वंड तो ज़्यादा नहीं है? नहीं सर, जो भी है, लेकिन बहुत अच्छा है, सुविधा अच्छी है सर। अच्छी है। हाँ जी सर। तो जाहिर सी बात है, जिन लोगों के लिए इस चीज़ का इंतज़ाम किया गया है, अगर वो इस बात को लेकर खुश हैं कि जो चीज़ें बनाई गई हैं वो उनके मुताबिक हैं और सुविधाएँ सारी हैं, प्रोटोकॉल का फॉलो किया जा रहा है, जो कोविड प्रोटोकॉल है उसको फॉलो किया जा रहा है, चाहे वो सैनिटाइज़र की बात हो, चाहे वो आप कह सकते हैं मास्क की बात हो, पूरे तरीके से यहाँ पर इंतज़ाम किया गया है। पानी का इंतज़ाम भी किया गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ ठंड से बच के लिए, क्योंकि अभी बीच रात का टाइम है, तो अलाव का भी इंतज़ाम यहाँ पर किया गया है। ये रैन बसेरा जो है वो नोएडा अथॉरिटी की तरफ से है, जैसा आप देखेंगे जो स्टेडियम के अंदर बनाया गया है वो अथॉरिटी के अंदर है। और यहाँ पर ये आग का अलाव का इंतज़ाम, ये भी आदेश था कि जहाँ जहाँ पर अलाव का इंतज़ाम किया जाए, और यहाँ पर ये अथॉरिटी की तरफ से जो इंतज़ाम हुए हैं, आपको कैसा लग रहा है ये अभी यहाँ पे? सही है, बहुत 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 बढ़िया से, बहुत सुंदर, फर्स्ट क्लास। योगी जी ने कहा था कि जगह जगह अलाव बनाओ, रैन बसेरे बनाओ, उस पर कैसा लग रहा है अभी? बहुत सुंदर, ठीक है, बहुत बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया से इंतज़ाम है यहाँ पे, बहुत सुंदर इंतज़ाम है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया। जाहिर सी बात है, अगर लोगों को इंतज़ाम पसंद आता है तो कहीं ना कहीं प्रदेश की जो सरकार है
वो इस बात को लेकर थोड़ा चिंतित इस बात को लेकर थी कि नाइट में, रात के समय में, जो तकरीबन ज़्यादा, जब अभी ठंड ज़्यादा है, उस मौके पर इस तरीके के नाइट शेल्टर्स हैं। हालांकि 10 शेल्टर्स बनाने की बात हुई थी, अभी तक हम 3 से 4 शेल्टर में ही जा पाए हैं जहां पर लोग बढ़ गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम उन लोगों को भी बताना चाहेंगे कि जिनके पास रात गुजारने की जगह नहीं है, जो फुटपाथ पर, सड़कों पर है, वो भी नाइट शेल्टर्स में, रैन बसेरे में आ सकते हैं, रात गुजार सकते हैं। ठंड से बचने के लिए अलाव का पूरी तरीके से इंतज़ाम यहाँ पर आप देखेंगे किया गया है। और इस सबसे अहम बात कि ये जो एरिया है, सेक्टर 21A स्टेडियम, नोएडा स्टेडियम का जो एरिया है, ये नोन है, और यहाँ पर आप 70 लोगों का इंतज़ाम अथॉरिटी की तरफ से पूरा मुख्तसर इंतज़ाम किया जा चुका है। विजिलेंस वसीम अकरम के साथ सैयद मुबशिर, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, नोएडा। रात की ठिठुरन में किसी गरीब बेसहारा को खुले आसमान के नीचे रात ना बितानी पड़े, इसके लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने इंतजाम कर दिए हैं। प्राधिकरण ने सेक्टर P3 बिल्डर्स एरिया के सामुदायिक केंद्र में रैन बसेरा बना दिया है। इसे 20 दिसंबर से ही शुरू कर दिया गया। रैन बसेरा में कोरोना से बचाव के पर्याप्त उपाय भी किए गए हैं, जिसमें हैंड सैनिटाइजर, मास्क जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी का असर NCR में भी बखूबी दिख रहा है। बीते 4-5 दिनों से, या ये कहें कि बीते 15 दिनों से, ठंड काफी बढ़ गई है। रात में पारा सामान्य से काफी नीचे चला जाता है। ग्रेटर नोएडा में किसी गरीब बेसहारा व्यक्ति को ठंड से नहीं जूझना पड़ेगा, ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा दिखाई दे रहा है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की CEO ऋतु महेश्वरी के निर्देश पर सेक्टर P3 सामुदायिक केंद्र में रैन बसेरा बना दिया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए 25-25 गद्दे और रजाई के इंतजाम किए गए हैं। वहीं जरूरत पड़ने पर बिस्तरों की संख्या और बढ़ा दी जाएगी। इस वक्त हम मौजूद हैं ग्रेटर नोएडा के पॉकेट 3 के सामुदायिक केंद्र बरात घर के अंदर। यहाँ पर 25 लोगों का इंतज़ाम किया गया है रैन बसेरा, क्योंकि ठंड को देखते हुए, जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है, तेज़ हो रही है, उसको देखते हुए अथॉरिटी की तरफ से इंतज़ाम किए गए हैं। अभी तक जो खबर है उसमें कि 10 रैन बसेरे पूरे नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बनाए गए हैं। ये ऐसा ही एक रैन बसेरा है। फिलहाल ये बरात घर है, नया बना हुआ है, काफ़ी साफ़ सुथरा सा लग रहा है। यहाँ पर अलग से वॉशरूम, लेडीज़ और जेंट्स टॉयलेट्स हैं वो अलग किए गए हैं। एक रजिस्टर रखा गया है इसको मेंटेन करने के लिए कि डेली कितने लोग यहाँ पर आते हैं। इस रजिस्टर में भी अगर हम देखें तो डेली के यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग नहीं आ रहे हैं, क्योंकि शायद लोगों को या तो इसकी जानकारी नहीं है, या नहीं, 14 तारीख में कुल 7 लोग आए हैं, 15 तारीख में 1 थे, 3 लोग थे, उसके बाद ये धीरे धीरे 4 से 5 लोग ही आ रहे हैं यहाँ पर। ये पूरी एंट्री यहाँ पर की जाती है, कौन है, कहाँ से है, उसके ID, मोबाइल नंबर सब कुछ लिया जाता है। अब क्या क्या इंतज़ाम है यहाँ पर वो आपको दिखाते हैं। ये हॉल के अंदर एक साइड लेडीज़ का है और एक साइड जेंट्स का है। फिलहाल यहाँ पर ये दरी बिछाकर ये गद्दे दिए गए हैं और साथ ही साथ कंबल इनको दिए गए हैं रात में ठंड में ओढ़ने के लिए। तो ये एक तरीके से एक अच्छी पहल कह सकते हैं ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की तरफ से, कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने आदेश दिया था कि जो नाइट शेल्टर्स हैं उनकी जो हालात हैं, जो पहले पिछली बार हमने देखा था जिनके हालात बहुत ज़्यादा बद से बदतर थे, लेकिन इस बार काफ़ी चीज़ें सुधार के रूप में देखी जा सकती हैं। साफ़ सुथरे गद्दे और कंबल यहाँ पर ज़रूर पड़े हुए हैं अभी फ़िलहाल, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं यहाँ पर, इसलिए ये खाली पड़ा हुआ है। हो सकता है शायद जानकारी का अभाव हो, लोगों को पता ना हो, जिसकी वजह से लोग यहाँ कम ही आ पाते हैं इस तरीके से। तो ग्रेटर नोएडा एक तो ये है, इसके पास में ही चाहे वो बुलंदशहर का हो, अलीगढ़ हो, या दूसरी जगह के लोग हों, वो जो आसपास यहाँ आते हैं जिनको रात में ठहरने की जगह नहीं होती, तो ये यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बड़े तरीके से यहाँ पे साफ़ सुथरे तरीके से यहाँ ये रखा गया है। इंतज़ाम की बात करें तो गद्दे वगैरह, तो ये कंबल वगैरह, एक एक कंबल दिए गए हैं, और एक सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे 2 लोगों की तैनाती भी की गई है। साथ ही साथ जो कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करने के लिए यहाँ पर सैनिटाइज़र वगैरह का भी इंतज़ाम किया गया है। पानी के लिए जो सप्लाई का पानी आता है वो यहाँ से है, और मास्क वगैरह भी यहाँ पर दिए गए हैं। ये कितनी तारीख से चाचा खुला है, ये कब से है? 20 तारीख से खुल गया है, 20 दिसंबर से। जी सर। अभी तक कितने लोग आए हैं टोटल? रोज नए लोग आते हैं या वही पुराने लोग? नए बदल के आते हैं, आते रहते हैं के। तो ये काफ़ी लोग आए हैं अभी, लेकिन डेली के जो, अगर हम डेली की बात करें चाचा, तो कितने लोग आते हैं? 5-7 लोग ही आते हैं और ज़्यादा भी? एक दिन 14 आदमी रहे। अच्छा, एक दिन 14 थे, उसके बाद कम ही लोग आते हैं। कुछ महात्मा भी आए थे। अच्छा, आए थे।
तो सुविधा के नाम पर यहाँ पे आपने सैनिटाइजर और मास्क वगैरह सब कुछ दिया? हाँ, सबको सैनिटाइजर मास्क सबको दिया जाता है। हाँ, सब रात में आप ही रहते हैं? रात में दूसरा गार्ड आता है। अच्छा, तो ये है। दूसरी तरफ जो टॉयलेट बाथरूम का है, क्योंकि यहाँ पर महिलाओं के लिए भी इंतजाम किया गया है और साथ ही साथ पुरुषों के लिए भी इंतजाम किया गया, तो ये महिला टॉयलेट भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ये महिला टॉयलेट है और दूसरी तरफ पुरुष का टॉयलेट है, तो ये अलग अलग किया गया है। तो ये इंतज़ाम के नाम पर काफ़ी अच्छी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली फिलहाल, क्योंकि पिछली बार जिस तरीके के हालात थे नाइट शेल्टर्स के, उसमें लोग रुकते नहीं थे ज़्यादा। ये नया बरातघर बनाया हुआ है, इसलिए साफ़ सुथरा थोड़ा सा देखने को मिलेगा। और सामने ही बाहर यहाँ पर अलाव जलाया गया है ठंड से बचने के लिए। जैसे अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, रात के 8:30 बजे हैं, तो अभी लोग इतने आए नहीं हैं। यहाँ पर 5-7 लोग ही बता रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 लोग आते हैं। 14 लोग एक बार आए थे, वो ज़्यादा लोग थे। तो ये P3 यानी Pocket 3 ग्रेटर नोएडा का जो बारात घर है, उसके अंदर ये इंतज़ाम ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की तरफ से किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट वसीम अकरम के साथ सैयद मुबशिर, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, ग्रेटर नोएडा। कोविड को देखते हुए रैन बसेरे में बचाव के उपाय किए गए हैं। मास्क का इस्तेमाल अनिवार्य है। प्राधिकरण ने मास्क सैनिटाइजर के भी इंतजाम किए हैं। एक कर्मचारी की भी तैनाती है, वो रैन बसेरा की व्यवस्था संभालेगा। रैन बसेरा में रात के समय अलाव जलाने का इंतजाम भी बखूबी किया गया है और इसी पर तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के ACEO अमनदीप डुली ने नोएडा ग्रेनो वासियों से अपील की है कि अगर कोई गरीब बेसहारा व्यक्ति दिखे जिसके पास रात बिताने के लिए छत ना हो, उसे रैन बसेरा जरूर भेजें। ऐसे व्यक्ति की सूचना प्राधिकरण के कॉल सेंटर नंबर 02102336647484849 पर भी दे सकते हैं। प्राधिकरण की टीम भी उसकी मदद करेगी। इसके अलावा मोबाइल नंबर 7011915820 और 9112556454 पर भी सूचना दे सकते हैं। जी, नाइट शेल्टर्स जो है समस्त उन जगहों पे बनाए गए हैं जहाँ पे पब्लिक का एक्सेस हो। देयर आर मोर देन 10 नाइट शेल्टर्स करेंटली ऑक्यूपाइड विद, मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी हमारी 300 प्लस भी जा चुकी है। हम लोग वहाँ पे जो स्लीपिंग के लिए जो भी लेनिन होता है, कंबल होता है, एंड बाहर अलाव और कोई हीटिंग मैकेनिज्म्स का हम लोगों ने व्यवस्था करी हुई है। एंड बेसिकली जैसे माननीय CM साहब का है कि सर्दियों में नो बडी शुड लूज हिज लाइफ बिकॉज ऑफ ए कोल्ड वेव। तो हम लोग का प्राइमरली यही रहा है, जब भी कोई डिमांड आती है तो हम लोग भले ही वहाँ पे ज़्यादा लोग भी ना हो, हम लोग शेल्टर्स ओपन करने की कोशिश करते हैं ताकि किसी को भी सर्दियों में बाहर रात को सोना ना पड़े और कोई भी एडवर्स घटना ना हो। हम लोगों ने लोकल RWAs को भी इन्वॉल्व कर रखा है और सारे नाइट शेल्टर्स की जितनी भी लोकेशंस हैं उसके बारे में बताया गया है। एंड अगर हमेशा पॉसिबिलिटी ज़्यादा करने की होती है, हम लोग जो है ये वाला जैसा आपका प्लेटफॉर्म है, ये भी हम लोग यूज़ करना चाहते हैं कि नाइट शेल्टर्स अवेलेबल हैं और उसके यूटिलाइजेशन करा जाए। पुलिस के साथ जो है सभी वर्क सर्कल्स का कोऑर्डिनेशन है, पुलिस ऑल्सो उनके पास भी सारे लोकेशंस हम लोगों ने शेयर कर रखे हैं। एंड हाँ, जो है ओवरऑल जितने भी डिपार्टमेंट्स यहाँ पर काम करें, अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, इस एरिया में जो कोई भी लोग सर्दी से मतलब ग्रस्त हैं और जिनके पास एट दिस मोमेंट जो है स्टे करने का कोई वो है नहीं है, उन लोग को डायरेक्ट करा जाता है नाइट शेल्टर्स यूज़ करने के लिए। नाइट शेल्टर की लोकेशंस हम लोग पब्लिश कर देंगे और हमारी सबसे यही गुजारिश है कि प्लीज़ यूटिलाइज़ आवर सर्विसेज, और कोई भी कमी होती है तो प्लीज़ हमें फीडबैक दीजिए सो दैट वी कैन इम्प्रूव आवर सर्विसेज। नहीं, ये पॉइंट नोट कर लिया जी हमने। वी विल इमीडिएटली इशू एन इंस्ट्रक्शन कि सारे अधिकारी तुरंत इसमें रिस्पॉन्सिव रहें। बात है कि ऑफ कोर्स वी आर अंडरस्टाफ्ड, वी आर आल्सो ओवरबर्डन और एक आदमी के ऊपर मल्टीपल रिस्पांसिबिलिटीज हैं, बट हम लोग इसको प्रायोरिटी में करवाएंगे। तो देखा आपने, नोएडा अथॉरिटी ने जो इंतजाम किए हैं रैन बसेरे के लिए, वो काफ़ी फायदेमंद साबित भी हो रहे हैं। हालांकि जानकारी का अभाव न होने की वजह से यहाँ पर लोग कम आ रहे हैं, 2 से 5-10 लोग इससे ज़्यादा नहीं आ पा रहे हैं, चाहे वो सेक्टर 66 की बात हो, चाहे वो नोएडा स्टेडियम किस सेक्टर की बात हो, या फिर Phase 3 ग्रेटर नोएडा की बात हो। लेकिन जिस तरीके से इंतज़ाम किए गए हैं, आने वाले दिनों में इसका फ़ायदा ज़रूर होगा।
वीडियो जर्नलिस्ट वसीम अकरम के साथ सैयद मुबशिर, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, नोएडा। मैं हूँ नोएडा के इस खास एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर लौटूंगा एक नए अध्याय के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया।